हेलो फ्रेंड्स, तो हम इस समय हैं प्रयागराज जंक्शन पे, बड़ी स्टेशन, और मैं आज प्रयागराज से कानपुर तक की यात्रा करूँगा। प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 में, और हमें जाना है प्लेटफॉर्म यहाँ से, वो दिख रहा हुआ है, वहाँ से घूमते हुए हमें वहाँ पहुँचना है। तो हमारी ट्रेन 4 बजे है, उधमपुर एक्सप्रेस, उससे हम जाएंगे आगे। देख लीजिए, इस समय प्लेटफॉर्म पर कोई मौजूद नहीं है। कोरोना का कहर, एक समय था यहाँ यात्रियों की इतनी भरमार होती थी कि लोग आने जाने वाले यात्री आपस में जाने के लिए एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पे, उनको कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाता था। लेकिन इस समय प्लेटफॉर्म में सफाई भी है। कहते हैं ना कि अगर मानव अपना गलत कार्य करना बंद कर दे तो प्रकृति अपने आप को पूरी तरह से भर लेती है। तो ये वो जगह है जहाँ पर गिने चुने कुछ यात्री मौजूद हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मैं पहुँचता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। तो ठीक है, फिर हम अपना बैग उठाते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। ये दादी, हाँ दादी, अच्छा पैसा चाहिए, कितना दे? काहे भीख मांगा तू? तू लड़का नहीं है तोरे, का गलत है? कई लड़कियाँ हैं ना आपके? और तीनों कहाँ हैं? तो आप क्या इसे छोड़ देते हैं? पैर में चप्पल नहीं है आपके, बताइए। मतलब अपने मेहरारू वगैरह होती हैं, लेकिन तो का घरे से बाहर गई है। तो दादी कुछ आप खा लीजिए, आइए कहीं खिला, आइए कहीं, दुकान वगैरह नहीं है? अरे ऐसे में आप पैसा ले लेंगी तो आप 5-6 रुपए में आपका क्या हो जाएगा, बताइए। तो आप एक मिनट रुकिए, आपको खाना दे दें, खाना खाएंगी? रुकिए, ये आप खाए ले, समझू, और हम जो उनका बता ई बा कि आप उनका आशीर्वाद दें अच्छे से। नहीं नहीं दादी, आप बढ़िया बढ़िया खाना का, ऐसी स्थिति में छोड़ दिया है इनको कि बेचारी भूखी, मतलब भूखी प्यासी तड़प रही हैं और कोई देखने वाला नहीं है। कब से भूखी हैं दादी आप? कब से भूखी हैं? खाना वाना खाती हैं? अरे कितना पैसा में आएगा, 20 रुपये में कितना खाना तू खाई ले? पेट भर के इनको भोजन तक नहीं मिल रहा है। तो देखिए आप, अगर इन्हें पहचानते हो, ये हैं, कहाँ के रहने वाली हैं दादी आप? जिगना मांडा की रहने वाली हैं ये, और इनका परिवार मतलब ऐसी स्थिति में छोड़ दिया है कि बेचारी जो है अभी भूखे, मतलब एक तरह से भूखे मर रही हैं। तो ये है, ऊपर वाला भी देख रहा होगा, ऐसा खाना दे दिया है, वो अपना खाना खा रही हैं बेचारी। हालांकि उनका एक दिन में ऐसा होने वाला कुछ नहीं है, पर ठीक, अच्छा लगता है। चलिए खैर, ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे हम लोग पहुँच रहे हैं, वो है हमारा प्लेटफॉर्म, और हम वहीं जाएंगे। तो ये है प्लेटफॉर्म नंबर 6। अपने प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे, और हम इंतज़ार कर रहे हैं अपनी गाड़ी उधमपुर एक्सप्रेस का। थोड़ी दशा देख लेते हैं प्लेटफॉर्म की, क्या कंडीशन है। कोच की तरफ पहुंच रहे हैं, D2 हमारा कोच है, दिखाते हैं आपको D2। ये है, ऐसे इंजन को जोड़ा जाता है बोगी से। हम D25 में, ये हमारी सीट है, देख लीजिए, 5 नंबर सीट D2 होगी में, गर्मी बहुत है। तो हम हैं ट्रेन में इस समय, उधमपुर एक्सप्रेस। ये साफ़ सफाई बड़ी चौचक है, क्या बात है भाई, क्या साफ़ सफाई है। थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह देख लें, क्या कंडीशन है वॉशरूम की। वॉशरूम भी ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सुबह चालू है। ठीक है, इस गाड़ी से आज, और यहाँ से कानपुर तक का सफ़र है। हम आपको घुमाएंगे इसके बाद कानपुर। तो ये हमारी गाड़ी है उधमपुर एक्सप्रेस, और यहाँ से कानपुर तक की यात्रा में जो कुछ होगा हम आपको अपडेट दे देंगे। ये समोसे का, ये भी इसका दिन का ही है। चलो भाई समोसे खाते हैं। ये इंडियन रेलवे के समोसे हैं, इनको प्रॉपर लाइसेंस दिया जाता है इस चीज़ को बेचने के लिए। और ये जो है 7 रुपये का एक समोसा है। कंडीशन देखिए, सिर्फ आलू भरा और बेसन देख लीजिए। तो भूल के भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे ना खाएं, आप प्रॉपर घर से खाना लेके आए या फिर कहीं मार्केट से बाहर से ले लें, लेकिन यहाँ से ना लें। 7 रुपये के समोसे लग रहे हैं। कानपुर सेंट्रल, और हम उतर चुके हैं कानपुर में। तो फिर हम लोग का सफ़र जो है वो यहीं पे समाप्त होता है, और आगे हम आपको वीडियो देंगे कानपुर से रिलेटेड। तो हम अपने सफ़र पे पहुंच चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो प्रॉपर देखते रहिए। मैं आपको ऐसे नए नए वीडियो और अच्छी वीडियो ला के देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना और लोगों की सहायता करिए। नमस्कार।